आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ब्रॉडकास्ट में। पानीपत में आज वीरवार का दिन हादसों का दिन रहा, जहां पानीपत रोहतक नेशनल हाईवे पर पहले ट्रक और बस के हादसे के बाद दिल्ली पैरेलल नहर में स्कॉर्पियो गाड़ी गिरने का मामला सामने आया है। हादसे के दौरान गाड़ी में 6 युवक सवार थे, जिसमें 5 युवक सुरक्षित बाहर निकल लिए, जबकि एक युवक लापता हो गया है। तो वहीं स्कॉर्पियो को गिरते देख कर राहगीरों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने राहत बचाव कार्य शुरू किया। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। पानीपत में आज कोहरे का कहर देखने को मिला। धुंध के कारण विजिबिलिटी कम होने के चलते नहर स्कॉर्पियो में जा गिरी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बचाव राहत कार्य शुरू किया। स्कॉर्पियो में सवार 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जबकि हादसे में एक युवक गाड़ी समेत नहर में बह गया। गाड़ी में राजेंद्र, जोगिंदर, नवीन, नीरज और प्रदीप सवार थे। इनमें 22 साल का नीरज नहर में बह गया, जिसकी तलाश जारी है। दरअसल युवक कैंसर पीड़ित मरीज को लेकर जा रहे थे, लेकिन अचानक स्कॉर्पियो गाड़ी सिवा बाईपास पर नहर में जा गिरी। आपको बता दें कि आज सुबह करीब 6 बजे सिवा बाईपास के नज़दीक कोहरे की वजह से हादसा देखने को मिला। प्राप्त जानकारी के अनुसार गाड़ी सवार जींद के गांव अलेवा के रहने वाले थे, जो किसी कैंसर पेशेंट को लेकर यूपी में जा रहे थे। उसी दौरान यह हादसा हो गया। वहीं बताया जा रहा है कि पानी में बहने वाले युवक की बहन की 2 दिन पहले 24 तारीख को शादी थी, जो कि इस हादसे की वजह से खुशी की जगह परिवार में मातम छा गया। फिलहाल परिजनों के द्वारा लापता युवक की तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस बचाव दल में लगा हुआ है और लापता युवक की तलाश जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ब्रॉडकास्ट। अब तक लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़े तमाम अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।